ब्रेसेस के इलाज में आपके पीछे के दांतों पे कुछ ट्यूब्स जैसी चीज़ें लगाई जाती हैं जिन्हें मोलर ट्यूब्स कहते हैं। वायर को पीछे से मोलर ट्यूब्स के अंदर बिठाया जाता है। दोनों तरफ से वायर को मोलर ट्यूब्स के अंदर जब इंसर्ट कर दिया जाता है तो आप ध्यान देंगे कि आपके ब्रेसेस के अंदर भी कुछ होल्स होते हैं। पीछे के दांत में या मोलर ट्यूब्स में जब वो सेट हो जाता है तो आगे के दांतों में भी उसको ब्रेसेस के अंदर सीट कर दिया जाता है। फिर उसको हम लिगेशन वायर या इलास्टिक मॉड्यूल से बांध देते हैं। ब्रेसेस के इलाज में आपके डॉक्टर शुरुआत में थोड़ा थिन वायर लगाते हैं। यूजुअली नाइट आई वायर को यूज़ किया जाता है जिसे O12, O14, O16 नाइट आई की डायमेंशंस भी कह सकते हैं। वो थोड़ा पतले होते हैं और दांतों को अलाइन करने में काम आते हैं। बाद में जो थिक वायर मोटे वायर यूज़ किए जाते हैं उससे आपके दांतों को अंदर किया जाता है और उनकी पोजीशन में सुधार किया जाता है। वायर के इंसर्ट करने के बाद इसे हम इलास्टिक मॉड्यूल से टाई करते हैं। इलास्टिक मॉड्यूल को हम एक सिंगल ब्रैकेट में भी टाई करते हैं और दो ब्रेसेस में भी, दो विंग्स में भी टाई कर सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार यह किया जाता है। स्टार्टिंग में वायर को लूजली ही बांधा जाता है, बाद में टाइटली बांधा जाता है। हम ओब्लीकली भी उसको लगा सकते हैं। फिगर ऑफ एट के रूप में भी हम लोग टाई कर सकते हैं। लिगेशन वायर का भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। लिगेशन वायर से बहुत टाइटली हम ब्रेसेस को वायर के साथ बांध सकते हैं। वायर का कंपोनेंट कभी भी ना चुभे इसलिए हमेशा कट वायर को अलग से ब्रेसेस के नीचे टाई कर दिया जाता है।